सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत रॉय का आज लखनऊ में अंतिम संस्कार किया गया है। सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर देह बुधवार को की शाम को 5 बजे गोमती नगर में सहारा समय लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए सहारा शहर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सहारा श्री को श्रद्धांजलि देने वालों में आम लोगों से लेकर VIP शामिल हुए। इस दौरान गायक सोनू निगम, अभिनेता राज बब्बर, निर्माता बोनी कपूर और तमाम नेता अभिनेता मौजूद रहे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपको बता दें कि सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का 15 नवम्बर मंगलवार को 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। सहारे जी से 97-98 से बहुत लंबा सफर रहा है, बहुत लंबा सफर रहा है। मैंने उनके साथ में बहुत बहुत अच्छा टाइम बिताया और वो मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे पिता समान भी थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनके मेरे बीच में हर तरह की बातें होती थी। मैं क्या कहूँ, मैंने उनकी जिंदगी में इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखी हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें उनसे सीखी हैं मैंने। और मेरे बचपन में बचपन कह लीजिए मुझे, उस समय मैं दिमाग में भी एकदम नया नया आया था, तो उस समय इनसे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। मैं इस बारे में, जैसा जो उनके ऊपर केस चला उसके बारे में, तो मैं मेरी कुछ हैसियत नहीं कुछ भी कहने की, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो ईश्वर जानता है और जो भी होंगे